नमस्कार, मैं हूं गुरलीक और आप देख रहे हैं बीएस लाइव न्यूज। चलिए देखते हैं आज का समाचार। बरेली में लव जिहाद को लेकर किला थाने में भाजपा और हिंदू संगठनों ने किया बवाल। चार घंटे तक चला बवाल। तोड़फोड़ करने पर पुलिस ने फटकारी लाठियां। भगदड़ में कुछ लोगों को आई चोट। मौके पर पहुंचे एडीजी, डीआईजी और एसएसपी। इंस्पेक्टर चौकी इंचार्ज गरी को किया लाइन हाजिर। घायलों का कराया गया मेडिकल। दर्ज होगा मुकदमा। डीएम और एसडीएम समेत मजिस्ट्रेट के साथ बिथरी और शहर विधायक भी पहुंचे। थानल जिहाद की खबर फैलते ही विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव कर दिया। थाने में जमकर तोड़फोड़ की। पुलिस कर्मियों से भी विहिप के कार्यकर्ता झड़प हुई। थाने में करीब एक घंटे तक विहिप कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। दो दिन पहले किला के पंजाबपुरा इलाके से एक लड़की लापता हो गई थी। बताते हैं कि उसने दूसरे समुदाय के युवक से प्रेम विवाह कर लिया। युवती के प्रेम विवाह करने के बाद उसका एक वीडियो वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने की खबर लगते ही विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने किला थाने का घेराव कर दिया। विहिप कार्यकर्ताओं ने यहां चौकी इंचार्ज बर्खास्त करो, लव जिहाद बंद करो के नारे लगाने शुरू कर दिए। कार्यकर्ताओं का आरोप था कि युवती के गायब होने की सूचना पुलिस को दी गई थी, लेकिन पुलिस ने उसे ढूंढ नहीं सकी। युवती पर घर से करीब 8 लाख रुपए और सोने चांदी के जेवर भी ले जाने का आरोप लगाया। पुलिस कर्मियों ने विहिप कार्यकर्ताओं को काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन देखते ही देखते उन्होंने थाने में तोड़फोड़ शुरू कर दी। करीब एक घंटे तक विहिप कार्यकर्ताओं ने बवाल किया। थाने में रखी कुर्सियों भी तोड़ दी। थाने में तोड़फोड़ कर रहे कार्यकर्ताओं को जब पुलिस ने रोका तो उनकी पुलिस कर्मियों से भी झड़प हुई। इतना ही। फिर मुलाकात होगी अगले समाचार के साथ। देखते रहिए बीएस लाइव न्यूज़।